तो असली चौकीदार कौन है? वो जो आपके लोकतांत्रिक हितों का ख्याल रखे, या वो जो अपने विरोधियों को आतंकवादी, देशद्रोही तक करार दे? असली चौकीदार कौन है? वो जो आपके सवालों का जवाब दे, या फिर सवाल पूछने वालों पर ही तोहमत जड़ दे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। और आज न्यूज चक्र में क्या है खास? असली और नकली चौकीदार के बीच का फर्क। और क्या विज्ञापनों, सीरियल्स के सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है? और अब क्या सीरियल्स के जरिए मोदी सरकार का प्रचार होगा? और आखिर कब तक चुनाव आयोग रहेगा खामोश? और अब हमारी आज की बड़ी पेशकश। हो सकता है कि आपके पास वोटर्स आई कार्ड हो, मगर जब आप वोट देने पहुंचे तो आपको पता चलेगा कि वोटर्स लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे? हम आपको मिलवाने जा रहे हैं असली चौकीदार से। जी हां, एक ऐप जिसका नाम है मिसिंग वोटर्स। ये ऐप ये करता है कि अगर आपका नाम वोटर्स लिस्ट से गायब है तो वो आपका नाम दोबारा वोटर्स लिस्ट में डाल सकता है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक देश के 12 करोड़ मतदाताओं के नाम रहस्यमय तरीके से वोटर्स लिस्ट से गायब हो चुके हैं। हम आपको बताने वाले हैं, मगर सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं स्वयंभू चौकीदार की। जी हां, स्वयंभू चौकीदार यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये चौकीदार क्या करते हैं? जब इनका मुकाबला किसी के साथ होता है तो मुकाबला जिनसे होता है उन्हें आतंकवादी तक करार देते हैं, उन्हें आतंकवादी समर्थक तक बता देते हैं। सुनिए तो सही, कांग्रेस और उसके साथी चुनाव लड़ रहे हैं आतंकवादियों को, अलगाववादियों को खुली छूट देने के लिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं आतंकवादियों को, अलगाववादियों को उनके किए पापों की सजा देने के लिए। कांग्रेस और उनके साथी चुनाव लड़ रहे हैं देश की सेना को कमजोर करने के लिए। हम चुनाव लड़ रहे हैं देश की सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। दोस्तों, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पहली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों को शराब तक करार दे दिया था। शराब भी नहीं, शराब। और अब उन्हें आतंकवादियों से उनकी तुलना कर देना। बात यही नहीं रुकती, जब पत्रकार उनसे सवाल पूछने की थोड़ी सी हिम्मत करते हैं तो देखिए प्रधानमंत्री महोदय का आपा कैसे खोता है। तो क्या ये झूठ है कि आपने अनिल अंबानी को रफाल का सौदा करवा के फायदा नहीं पहुंचाया है? आप सुप्रीम कोर्ट में भी भरोसा नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। अगर एबीपी न्यूज सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं करते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप सीएजी पे भरोसा नहीं करोगे क्या? क्या फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात को नहीं मानोगे? फ्रांस गवर्नमेंट के, भारत सरकार ने पार्लियामेंट जहां पर एक्ट ने शब्द कहे वो भी नहीं मानोगे? और आप इतने इतने बायस है। प्रधानमंत्री जी, न्यूज क्लिक पर हमने कई बार आपके सामने तथ्य रखे हैं रफाल के, और हमारे दर्शक चाहें तो वो तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। मगर मेरा सवाल कुछ और है। प्रधानमंत्री जिस तरह से बौखलाए यहां पर इस सवाल के ऊपर, प्रधानमंत्री क्या यह बात गलत है कि किस तरह से आपके ऑफिस से, प्रधानमंत्री कार्यालय से नृपेन मिश्रा एडिटर्स को कॉल करके उनकी नकेल कसते हैं? क्या यह बात गलत है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली हो या फिर आपके मंत्री पीयूष गोयल लगातार चैनल्स पर दबाव डालते हैं? क्या यह बात गलत है कि अनिल बलूनी जो हैं संपादकों से संपर्क करते हैं और अक्सर चैनल्स पर पाबंदी लगाने का काम उनका होता है? फिर मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय कि पत्रकारों से और न्यूज चैनल से आपकी नाराजगी का सबब क्या है, क्योंकि ये तो वो चैनल्स हैं जो आपका महिमा मंडन कर रहे हैं। आप तो मेरे जैसे पत्रकारों को इंटरव्यू भी नहीं देने को राजी हैं, तो फिर गुस्सा किस बात का प्रधानमंत्री महोदय? और अब बात करते हैं देश के असली चौकीदार की।
जी हां, इस अनुमान के मुताबिक 12 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से गायब हैं। इस आंकड़े का मतलब जानते हैं आप, 12 करोड़। इससे न सिर्फ 3 या 4 लोकसभा सीटें बल्कि देश की चुनावी तस्वीर जो है वो बदल सकती है। और ये दावा कौन कर रहा है? रेलैब्स। जी हां, हैदराबाद स्थित रेलैब्स ये दावा कर रहा है और वो लेकर आए हैं एक ऐप। इस ऐप का मकसद यह है कि अगर आपका नाम वोटर्स लिस्ट से गायब है तो वो आपकी मदद करेंगे आपका दोबारा उस लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए, क्योंकि देखिए वोट देना आपका अधिकार है। जी हां, और हम प्रवेश कर रहे हैं देश के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव की तरफ। और अगर ऐसे में आपका नाम वोटर्स लिस्ट में ना हो तो इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? और क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद को चौकीदार कहते हैं, कभी मिसिंग वोटर्स के मुद्दे पर अपनी बात रखते देखा है? ये पार्टी ये तो कहती है कि वोट कर, मगर मिसिंग वोटर्स का क्या? वो जिनका हक उनसे छीना जा रहा है उसका क्या? और रेलैब्स जो ये दावा कर रहा है कि करीब 12 करोड़ वोटर्स के नाम गायब हैं, किस आधार पर कर रहा है, अभी सुनिए। इलेक्टोरल डेटा की रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुस्तान में 10% घर ऐसे हैं जिसमें एक ही वोटर मौजूद है, और मुस्लिम और दलित समुदाय के लोगों में ये 17% ऐसे घर हमें मिले जिनमें एक ही वोटर मौजूद था। पता लगाने के लिए हम लोगों ने एक 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ग्राउंड सर्वे किया और वहाँ हम लोगों ने ये पाया कि लोग तो मौजूद थे लेकिन उनके पास वोटर कार्ड भी थे लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं था। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए ज़रूरी था, तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐप बनाया जिसका नाम है मिसिंग वोटर्स ऐप। ये ऐप एक्चुअल वॉलंटियर्स के लिए है, वो लोग के लिए है जो इलेक्शन कमीशन और लोगों के बीच में एक ब्रिज बन सके। पूरे इंडिया में 4000 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 4000 से ज़्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें हम लोगों ने अभी तक 887 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा ऐप में इंटीग्रेट कर लिया है। मतलब अगर आप उन कॉन्स्टिट्यूएंसियों के हैं तो जब आप ऐप क्लिक करेंगे तो आपको एक बटन दिखेगा जिसका नाम है मिसिंग वोटर्स बाय पोलिंग बूथ। अगर आप वो बटन क्लिक करेंगे तो आपको वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम पोलिंग बूथ और वो पोलिंग बूथ में कितने घर हैं दिख जाएंगे। अगर आप एक पोलिंग बूथ को क्लिक करेंगे तो वो पोलिंग बूथ में कितने गली हैं और गली में कितने घर हैं दिखेंगे। अगर आप एक गली को क्लिक करेंगे तो पूरे घर के नंबर और घर में कितने वोटर हैं दिख जाएंगे। तो मैं वॉलंटियर्स को ये कहता हूँ, आप उन घरों पे जाइए जहाँ पे ऐप कहता है कि सिर्फ एक वोटर है, और जाके उनसे बात कीजिए। अगर आपको कोई अनरजिस्टर्ड वोटर मिले, वहाँ पे एक ऐसा वोटर मिले जिसका नाम अभी वोटर लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो अप्लाई फॉर वोटर आईडी बटन क्लिक करके 2 मिनट के अंदर आप उनका वोटर कार्ड बना सकते हैं। हम लोगों ने एक सर्विस लॉन्च की है, हमारा एक नंबर है 9963748187। कोई भी अगर उस नंबर पे अपना वोटर आईडी मैसेज कर दे तो इमीडिएटली विद इन 2 मिनट्स आपको, अगर आपका वोटर कार्ड सिस्टम में अवेलेबल है, तो एक मैसेज आ जाएगा कि ये आपका पोलिंग बूथ है, आप वहाँ पे जाके वोट कर सकते हैं। अगर आपका वोटर कार्ड नहीं है तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका वोटर कार्ड मौजूद नहीं है, आप फिर से अपना वोटर कार्ड बनवा लीजिए। तो देखा आपने, डेटा मौजूद है, आंकड़े मौजूद है, मगर उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए यह आप नहीं कर सकते, यह अपने आप में कितना पेचीदा हो गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं सही मायने में यही चौकीदार हैं जो आपका हक आप तक पहुंचाते हैं। और हम आपको यह भी बता दें, यह एक मुहिम है, यह एक मुहिम है जिससे लोग जुड़ रहे हैं। अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पर तो आप भी इस मुहिम में दूसरों को जोड़ सकते हैं। कैसे और ये वॉलंटियर्स कौन हैं, उनसे न्यूज़ क्लिक ने भी बात की है। ये जो मिसिंग वोटर्स के हैं, इस ऐप के द्वारा हम लोग तुरंत वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये आम जनता जो रहती है, कोई भी इंसान रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाता है तो वहाँ के अफसर उसको ये लाओ वो लाओ करके 10 बार चक्कर काटने लगाते, तो कभी कभी वो इंसान थक जाता है और बोलता है जाने दो मरने दो, वोटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हमने घर घर जाके हर एक आदमी को इस बात का ये उनको पता करवाया कि देखिए इस ऐप के द्वारा आप 2 मिनट में आपका वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते और वो हक आपका है और आपको ये हक मिलना चाहिए। इसकी जानकारी उनको देने के बाद वो सामने से लोग आने लगे और फटाफट वोटर रजिस्ट्रेशन हो गया। वोटिंग के लिए मैं इधर उधर बहुत दौड़ा लेकिन नहीं हो पाया, परेशान हो गया एक्चुअली।
तो मैं मैडम को बोला एक दिन, मैं मैडम मैं वोटिंग कार्ड के लिए, मेरा छोटा सा जगह है पार्थीपाड़ा में और मेरे को वोटिंग कार्ड के लिए मैं बहुत थक गया हूँ। तो मैडम बोली कोई बात नहीं, मेरे पास ऐप है, मैं उससे कर देता हूँ मैं आपको। मैं बोला मैडम ये तो बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप कर देंगे, कम से कम चक्कर काटने से तो अच्छा है कम से कम आप कर देंगे। कम से कम 10 दिन तो मैंने चक्कर काटा, तो एक्चुअली मैडम मेरी करके दी वोटिंग कार्ड मेरा, और अच्छा खासा मेरा ये वोटिंग कार्ड ऐप के जरिए से और मैडम के जरिए से वोटिंग कार्ड मेरा आ गया। इस ऐप का फ़ायदा ये है कि जैसे कि यहाँ पे जो है बहुत सारे पिछले इलेक्शन में बहुत सारे नाम जो है लोगों के पास कार्ड होके भी, इलेक्शन कार्ड होके भी बहुत से नाम जो लिस्ट में आए नहीं थे, लोग जो थे वंचित हो गए थे, लोग परेशान थे, उधर जा जाके उधर इधर बूथ नंबर में जाके बोल रहे थे कि अरे हमारे पास कार्ड है, हम लोग को वोट नहीं दे सकते। इस तरह से लास्ट इलेक्शन में जो धांधली हुई, तो उससे बचने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि मिसिंग वोटर से हम वोट को जो है रजिस्टर करें। तो हम लोग मिल के सिवनी विधानसभा में कम से कम 2500 तक वोटिंग लिस्ट बनाया। तो आप बताइए, क्या कभी न्यूज चैनल्स में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है? क्या इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है कि किस तरह से कई करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से गायब हैं? क्या यह गंभीर मुद्दा नहीं है? जी हां, जब गोदी मीडिया लगातार महिमा मंडन एक शख्स की, एक पॉलिटिकल पार्टी की कर रही हो, तो जाहिर सी बात है ये मुद्दे जो हैं उसकी प्राथमिकता में बहुत नीचे आ जाते हैं। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम आपके सामने ला रहे हैं असली और नकली चौकीदार के बीच का फर्क। न्यूज चक्र में अब बारी हमारी दूसरी प्रस्तुति की। जी हां, क्या आप जानते हैं कि अब बाकायदा सीरियल्स के सहारे मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा हो रहा है? जी हां, ये दो सीरियल्स हैं, भाभी जी घर पर हैं। सही पकड़े हैं आप, भाभी जी घर पर हैं। वे बाकायदा ये कैरेक्टर बैठकर न सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान की बात करता है, बल्कि प्रधानमंत्री को एक क्रांतिकारी पुरुष, एक युग पुरुष तमाम जैसे शब्दों से नवाजता भी है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद देख लीजिए। अरे शर्म करो, एक वो आदमी है जो दिन रात देश की अखंडता, स्वच्छता की बात करता है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। 9 करोड़ शौचालय? जी हाँ, जैसे आज की हमारी सरकार पूरे जोशो खरोश से लगी हुई है कि भारत की अखंडता और एकता को खतरा न पहुंचे, स्वच्छता अभियान की बात कर रही है। आज एक कर्मठ, सुशील, ज्ञानी, अतुलनीय पुरुष की वजह से हम स्वच्छता के वातावरण में सांस ले रहे हैं। तो कहा है ना कि हमारी भारत सरकार एक ठो उज्ज्वला योजना शुरू की है, जिसके तहत ना 5 करोड़ लोगों के घरों तक ना LPG कनेक्शन पहुंचने का वादा किए हैं। सुनिए, मुद्रा योजना के हिसाब से आपके छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार आपको 10 लाख तक का लोन देगी। सच? हाँ, और देश भर में 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ये लोन मिला है। तो बताइए दोस्तों, ऐसे में क्या आप ये कह सकते हैं कि हमारा चुनाव आयोग जागरूक है? क्योंकि खुलेआम सीरियल्स के जरिए, और यही नहीं, आप जानते हैं कि बाकायदा एक फिल्म रिलीज होने वाली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। इस फिल्म की फंडिंग कहां से हो रही है उसको लेकर रहस्यमय बाकायदा बना हुआ है, और सीरियल्स, फिल्में, और यही नहीं नमो टीवी, जिसकी चर्चा हम न्यूज क्लिक पर इससे पहले कई बार कर चुके हैं। मगर जानते हैं, दिलचस्प बात यहां पर यह है, और यह अपने आप में खतरनाक बात भी है, कि यह जो नमो टीवी है वो आचार संहिता के लागू होने के बाद आया है, और उसे ना सुरक्षा क्लियरेंस हासिल है, ना उसके पास ब्रॉडकास्ट लाइसेंस है। इसके चलते यह चैनल पूरी तरह से नाजायज है, और यह पहली बार है कि यह चैनल बगैर जरूरी जांच के ऑन एयर हो गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बाकायदा प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। तो भैया, किसकी हिम्मत है रोकने की, है कि नहीं? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यही नहीं दोस्तों, 31 मार्च को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाकायदा एक फहरिस्त जारी की थी उन चैनल्स की जिन्हें अप्रूवल मिला है। इस लिस्ट में नमो टीवी का नाम नहीं था, और ये नमो टीवी है ना, ये अलग अलग कैटेगरीज में दिखाई देता है। मैं आपको एक बहुत दिलचस्प चीज बताने वाला हूं।
मसलन अगर आप टाटा स्काई पर यह न्यूज चैनल देखें तो न्यूज कैटेगरी में नमो टीवी चैनल नंबर 512 पर पाया जाता है। उसी तरह से अगर आप मूवीज कैटेगरी में देखें तो चैनल नंबर 324 पर नमो टीवी पाया जाता है, और अगर आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी में देखें तो चैनल नंबर 145 पर नमो टीवी पाया जाता है। और यह हाल सिर्फ टाटा स्काई का नहीं है, कई केबल नेटवर्क्स में यही नमो टीवी अलग अलग कैटेगरीज में, कहीं एंटरटेनमेंट में, कहीं स्पोर्ट्स में, कहीं न्यूज में, तो कहीं पर जिसे कहते हैं कॉमेडी तक में भी ये न्यूज चैनल आ जाता है। तो देख रहे हैं ना आप, बाकायदा बखिया उधेड़ी जा रही है नियम कानून की इस देश के अंदर, और इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बाकायदा चुनाव आयोग में जाकर इसकी शिकायत की है, और क्या शिकायत की है यह भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनके मुताबिक रूल 73 ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स 1994 वाज वायलेटेड इन द लॉन्च ऑफ द चैनल एंड देयर वर आल्सो वायलेशंस ऑफ अदर सेक्शंस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एज वेल एज द पोल पैनल्स इंस्ट्रक्शंस अगेंस्ट government funded advertisements or surrogate advertising in favor of political parties or candidates, yani ki tamam niyam kanoon ki dhajjiyan jo hain namo tv ke zariye udai ja rahi hain। ek aisa zamana tha doston jab 1984 ka chunav hua tha aur us waqt amitabh bachchan ki kisi film ko doordarshan par nahi dikhaya gaya। dusri baat main aapko batata hu, film thi khoon bhari mang aur us waqt mujhe yaad hai शत्रुघ्न सिन्हा राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे यहीं दिल्ली में। उस वक्त भी मैं आपको बताना चाहता हूं खून भरी मांग फिल्म दिखाई गई थी, मगर जब भी शत्रुघ्न सिन्हा आते थे स्क्रीन पर उन्हें फ्रीज कर दिया जाता था, आप सिर्फ उनकी आवाज सुन पाते हैं। यही नहीं, एक व्हील डिटर्जेंट का एड था, एक जमाने में जनता दल का यह चुनावी सिंबल होता था, उसका एडवर्टिजमेंट बंद कर दिया था चुनाव आयोग ने। और अब यहां क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री के नाम की फिल्म दिखाई जा रही है, सीरियल्स बाकायदा उनके पक्ष में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बाकायदा नमो टीवी आ गया, वो भी कब, जबकि चुनाव आचार संहिता अपनी जगह में है, लागू हो गई है। तो ऐसे में आप इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहेंगे या बनाना रिपब्लिक कहेंगे? भाई ये इंडिया है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है जहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संस्कारी लोग हैं वो हमारे अच्छे खासे देश को नॉर्थ कोरिया में तब्दील कर देना चाहते हैं, या एक बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं जहां पर किसी तरह का कोई नियम कानून काम नहीं करता। मगर हम अपनी जिम्मेदारी को हमेशा समझते हुए आपके सामने मुद्दे लाते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य धारा की मीडिया ये मुद्दे आपसे छुपाना चाहती है। इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया असली और नकली चौकीदारों का फर्क, और बाद में किस तरह से प्रोपेगेंडा के सहारे भारतीय जनता पार्टी या मोदी जो हैं वो सत्ता पर फिर आसीन होना चाहते हैं। तो न्यूज चक्र में बस इतना ही, आपसे मेरी गुजारिश कि आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।